I do dimly perceive that whilst everything around me is ever changing, ever dying, there is underlying all that change a living power that is changeless, that holds all together, that creates, dissolves, and recreates. That informing power of spirit is God, and since nothing else that I see merely through the senses can or will persist, He alone is. And is this power benevolent or malevolent? I see it as purely benevolent, for I can see that in the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. Hence I gather that God is life, truth, light. He is love. He is the supreme good. महात्मा गांधी के पदचिन्हों के बचे खुचे निशानों को ढूंढने के लिए की जाने वाली यात्रा पर मैं आपको आमंत्रित करती हूं। आशा है यह यात्रा आपके लिए एक अच्छा अनुभव ही नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालेगी जिसने अहिंसा का केवल प्रचार और प्रसार ही नहीं किया बल्कि अपने जीवन में उसको जीकर दिखाया है, जिसका उदाहरण केवल भारत में ही नहीं देश विदेश तक फैल गया है। आज 21वीं सदी के द्वार पर खड़े भारतवर्ष में इस अहिंसावादी पुरुष के कार्यकलापों के अवशेष अभी बाकी हैं। इनका आज क्या महत्व है और भविष्य में ये सीखें काम आएंगी क्या? इन प्रश्नों का उत्तर पा सकने के लिए ही यह यात्रा की गई, जिसका प्रथम चरण गुजरात देश है, जहां महात्मा गांधी ने जन्म लिया और इनका पालन पोषण हुआ। मुंबई के उत्तर पश्चिम में गुजरात पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, बंबई अरब सागर के किनारे पर स्थित महानगर है। गुजरात के 4 करोड़ निवासी अधिकांश भारतवासियों की तरह किसान ही हैं। तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप गुजरात की गिनती अब 3 प्रमुख औद्योगिक प्रांतों में की जाने लगी है। कपास की खेती में यह प्रथम स्थान पर माना जाता है। वस्त्र उद्योग, मिट्टी का तेल तथा प्राकृतिक गैस यहाँ का प्रमुख व्यापार है। इसके अलावा प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ, सीमेंट और रसायन शास्त्र संबंधी उद्योग भी पाए जाते हैं। गुजरात का नाम गुर्जर राता से बना है। गुर्जरों की भूमि है यह। आज से 2000 वर्ष पूर्व भारत के उत्तरी हिस्से से आए हुए लोग यहाँ आकर बस गए। इतिहास में इनका उल्लेख वीर बहादुरों तथा उत्साही नाविकों के रूप में मिलता है। व्यापार और कला के क्षेत्र में भी इनका नाम है। नृत्य, गायन तथा नृत्य नाटिका की परिपाटी इनकी अमूल्य निधि है। लगभग 90% गुजराती हिंदू हैं, 10% मुसलमान एवं ईसाई। इसके अलावा अल्पसंख्या में पारसी तथा जैन भी हैं। जैनियों का तो यहाँ धार्मिक स्थान भी है। गांधी जी के मंदिरों का जो पर्वत शतरुंजी यहाँ दिखाई पड़ता है, उस पर 900 से भी अधिक जैन मंदिर हैं। जैन धर्म की विशेषता अहिंसा का पालन करना है, जिसका प्रभाव युवा गांधी पर, हालांकि वे स्वयं हिंदू थे, बहुत गहरा पड़ा। अहिंसावाद को अपनाने का शायद यह भी एक कारण था, जिसका तात्पर्य और कुछ भी नहीं, केवल औरों को कष्ट नहीं पहुंचाना है। प्राणी मात्र से प्यार ही जीवन का संदेश है। बंदर गाहों की नगरी पोरबंदर, जिसे श्वेत नगर भी कहा जाता है, यहाँ गांधी जी का जन्म स्थान है। जहाँ आपका जन्म हुआ था, वहाँ पर आज एक स्वास्तिक का निशान है, एक पौराणिक प्रतिचिन्ह। इसे प्रतिष्ठा और पुण्य का चिन्ह भी कहा जा सकता है। इस घर की देखरेख अब भारत सरकार के हाथ में है, जिसके दर्शनार्थ देश विदेश के यात्री आया करते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म एक मोद बनिया व्यापारी परिवार में हुआ। इनका परिवार विष्णु भगवान का उपासक था। विष्णु भगवान भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार जीवनदायक
और प्यार के देवता माने जाते हैं। गांधी परिवार ने गुजरात देश के पोरबंदर नामक स्थान पर एक महत्वपूर्ण राजनैतिक भूमिका निभाई है। आपके दादाजी और पिताजी करमचंद राज दरबार के दीवान थे, एक प्रकार के महामंत्री। पितामह और पिताश्री दोनों ही अपने उसूलों के पक्के और सत्य के अनुगामी थे। आप अपनी सत्य बोल पाने की ताकत के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि आपका गुस्सा और कोमल स्वभाव दोनों ही जाना माना था। आपकी माता पुतलीबा अपने बेटे मोहनदास के बारे में कहती थीं कि ये एक धार्मिक महात्मा है। आप स्वयं भी एक सुदृढ़ महिला थीं, जो अत्यंत संतुलित जीवन यापन करती थीं। धर्म में उनके अटूट विश्वास तथा उपवास रखने की परिपाटी से प्रभावित होकर ही महात्मा गांधी ने अनशन को अपने जीवन में अपनाया था। 1876 में गांधी परिवार राजकोट आ गया। मोहनदास 7 साल की उम्र में स्कूल में भर्ती हुए। 12 वर्षीय स्कूल का जीवन आपने मध्यम श्रेणी से ही समाप्त किया। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान आप में आत्मसम्मान की भावना परिपक्व हुई तथा अच्छे और बुरे का भेदभाव पैदा हुआ। इस संदर्भ में आपसे कोई गलती ना हो, इसके लिए आप सदा सचेत रहे। राजा हरिश्चंद्र तथा श्रवण कुमार के नाटकों से आप अत्यंत प्रभावित हुए, जहां अंधे मां बाप के लिए पुत्र के त्याग का वर्णन है। शाश्वत सत्य की खोज और उस पर विश्वास ही इन नाटकों का विषय है। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद 13 साल की उम्र में गांधी जी काठियावाड़ आ गए और यहीं पर पोरबंदर की कस्तूरबा नकानजी कन्या से उन्हें ब्याह दिया गया। ये दोनों एक ही उम्र के थे। काठियावाड़ के हाई स्कूल का नाम आज यहाँ के प्रसिद्धतम विद्यार्थी के नाम मोहनदास करमचंद हाई स्कूल रखा गया है, जहाँ पहली मंजिल पर गांधी जी के प्रमाण पत्रों को दर्शाया गया है, जिससे पता चलता है कि महात्मा के नाम से प्रसिद्धि पाने वाला यह विद्यार्थी एक साधारण सा व्यक्ति था, जिसे विवाह के वर्ष में एक ही कक्षा को पास करने में 2 साल लगे थे। राजकोट की तरह ही समस्त भारतवर्ष में गांधी जी की मूर्तियां मिलती हैं और जगह जगह पर रास्तों, स्थानों और बागीचों के नाम गांधी जी तथा उनकी पत्नी कस्तूरबा जी के नाम पर रखे गए हैं। इस प्रकार उनका सम्मान आज भी किया जाता है। अगर गांधी जी आज जिंदा होते तो अवश्य ही अपने नाम और विचारों को फैलाने का यह तरीका कतई पसंद नहीं करते, क्योंकि गांधी जी की सीख थी कि अपने को समयानुसार ढालो तथा निरंतर सत्य के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ो। हरेक को अपना सत्य स्वयं खोजना और पाना है। हर व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार आचरण करे तथा हिंदू धर्मानुसार समाज की सेवा करे। एक हिंदू होने के नाते गांधी जी हरेक व्यक्ति में भगवान को देखते और पाते थे और इसी प्रकार समाज की सेवा में रत थे। सच्चा उपासक कर्मयोगी होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो भगवान की प्राप्ति समाज सेवा में देखता है। एक बार जब गांधी जी से यह पूछा गया कि वह विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था, मेरा जीवन ही विश्व को मेरा संदेश है। आज भी भारत में 2000 से अधिक संस्थाएं हैं जो गांधी जी के सिद्धांतों पर कार्यरत हैं। हिंदुस्तान के बाहर इस प्रकार की 30 से अधिक संस्थाएं हैं जो गांधी जी के नाम पर चलती हैं तथा सैकड़ों समाज सेवी संस्थाएं गांधी जी के सिद्धांतों पर अमल करती हैं। समस्त विश्व में मानवतावादी तथा प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित संस्थाएं गांधी जी के जीवन से प्रेरणा पाती हैं। राजकोट आज 10 लाख की आबादी वाला बड़ा शहर है, जहां जिस स्कूल में गांधी जी पढ़ते थे इसके अलावा अभी उनका घर भी है, जिसमें एक छोटा सा संग्रहालय है। एक सचित्र प्रदर्शनी में गांधी जी का बालकाल दर्शाया गया है। आपकी युवावस्था
तथा राजकोट के जीवन के अंतिम चित्र यहाँ पाए जाते हैं। गांधी जी के सिद्धांतों पर बनाया गया राष्ट्रीय शाला आश्रम आज भी सर्वोदय परिपाटी का पालन करता है। सबका जागरण या जागृति, जैसा कि गांधी जी चाहते थे, अत्यधिक उत्पादन से नहीं हो सकता, बल्कि अत्यधिक लोगों को काम दिलाने से ही हो सकता है। मशीनों का कम से कम उपयोग तथा हस्त उद्योग को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, इस प्रकार हर एक को काम मिल सके तथा आत्मनिर्भर गांवों को बसाया जा सके। ये गांव आर्थिक रूप से शहरों पर निर्भर न होकर अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाएं। स्कूली पढ़ाई के बाद गांधी जी औषधि विज्ञान का अध्ययन करना चाहते थे। धार्मिक कारणों से घर वालों ने इसका विरोध किया। उनकी जाति मांस काटने की अनुमति नहीं देती। इस प्रकार आपने इंग्लैंड में वकालत पढ़ने का निर्णय लिया। आपने अपनी माँ को यह वचन दिया कि आप मांस भक्षण नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे तथा पर स्त्री से दूर रहेंगे। फिर भी उनकी जाति के वृद्ध जनों ने उन्हें जाति से बाहर कर दिया, क्योंकि इनकी जाति में काला सागर, जो नाम उन्होंने अरब सागर को दिया है, पार करना वर्जित है। लंदन में गांधी जी पहले तो अंग्रेजों की तरह रहने में प्रयत्नशील रहे, किंतु शीघ्र ही आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसे त्याग दिया। इससे पढ़ाई प्रारंभ होने के बाद जो पैसा बचता था उससे वे पुस्तकें खरीदते थे। पुस्तकों के अध्ययन में आपका बड़ा मन लगता था। रोमन कानून को पढ़ पाने के लिए आपने लैटिन भाषा का अध्ययन किया। आप एक कमरे के मकान में रहते थे और अपना खाना अपने आप पकाते थे। आप शाकाहारी संस्था के सदस्य भी बने। इस संस्था में आपकी मुलाकात बड़े ही रोचक व्यक्तियों से हुई, जिससे उन्हें अपनी भारतीयता का पुनः ज्ञान हुआ। इस प्रकार पहली बार आपने भगवद गीता का अध्ययन किया, जिससे उन्हें आत्मबोध मिला। गीता के अध्ययन द्वारा आपने जाना कि त्याग और तपस्या ही धर्म का सर्वोच्च शिखर है। इस प्रकार भगवद गीता गांधी जी के जीवन की विशेष पुस्तक बन गई, जिससे उन्हें सत्य की पहचान और सत्य का मार्ग मिला। आशा और विश्वास की पुस्तिका गीता ने उनका मार्गदर्शन किया। आप शाकाहारी संस्था के सचिव चुने गए और आपने भारतीय भोजन तथा आचार विचार पर रचनाएं लिखना और उनको छपवाना शुरू किया। जून 1891 में 21 साल की अवस्था में आपने अपना अध्ययन सफलतापूर्वक समाप्त किया और आपको अंग्रेजी कानून के बैरिस्टर ऑफ लॉ से सम्मानित किया गया। भारत लौटने की सारी खुशियां मुंबई में मिले मां की मृत्यु के दुखद समाचार में विलीन हो गईं। जाति से बहिष्कृत हो जाने के कारण आपको प्रायश्चित करना पड़ा तथा जब आपने रुपयों से दंड का भुगतान किया, तब कहीं जाकर इनके जाति वालों ने इन्हें बराबर का स्थान और सम्मान दिया। भारत में आप अधिक समय तक नहीं रह सके, क्योंकि सन 1893 में एक हिंदुस्तानी व्यापारी की वकालत करने के लिए आपको दक्षिणी अफ्रीका का आमंत्रण मिला। डरबन पहुंचने पर आपको जाति भेद और रंग भेद का कड़वा अनुभव हुआ। आपको अपमान और शारीरिक यातना का सामना करना पड़ा। इस प्रकार का अपमान और यातनाओं का सामना ब्रिटिश साम्राज्य में भारतवासियों को अक्सर करना पड़ता था, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका में कुली कहकर पुकारा जाता था। हिंदुस्तानी व्यापारी की वकालत के केस में आप दोनों पक्षों के बीच न्याय करवा पाए। महात्मा गांधी के विदाई समारोह के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में जब आपको मालूम हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को और भी कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, तो आपने कुछ समय वहीं रहने का निश्चय किया, ताकि अपने देशवासियों की समस्याओं के समाधान का उपाय कर सकें। आत्मसम्मान को बनाए रखने तथा रंग भेद की नीति को समाप्त करने का अभियान यहीं से शुरू हुआ। अपने कुछ साथियों के साथ
आपने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कुछ महीनों में इस संस्था के कार्यकलापों का लेखा जोखा तैयार किया गया। गांधी जी का सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यह पहला अनुभव था। आपके प्रारंभिक राजनैतिक लेखों में दक्षिण अफ्रीकावासी भारतीयों की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। आपके भाषणों का भी यही विषय था। प्रथम भारतीय वकील होने के नाते गांधी जी को कठिन परिश्रम करना पड़ा। आपको अपने मानसिक विकास के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ता था। आपने हिंदू धर्म तथा अन्य धर्मों पर आधारित कई पुस्तकों का अध्ययन किया। टॉल्स्टॉय की अनेक रचनाओं को आपने पढ़ा तथा इस संदर्भ में उनसे पत्र व्यवहार भी किया। औषधि विज्ञान के अपने अध्ययन को आपने गहराया तथा अनेकानेक प्रकार से उसका प्रयोग भी किया। सन 1899 के बुरेन के युद्ध में गांधी जी ने एक सेवा दल तैयार किया जो युद्ध की सीमा पर पूरे एक महीने तक कार्यरत रहा। अपने चौथे पुत्र के जन्म पर आपने दहाय का काम किया। समाज सेवा की आपकी इच्छा दिन पर दिन बलवती होती जा रही थी। आपने अपना रहन सहन भी एक समाज सेविका कर डाला। भगवत गीता के सिद्धांतों को कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है और सभी को समान अधिकार है, आपने अपनाया। उसी क्षण से योग की शिक्षाओं के अनुसार जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया। आपने अपने सभी अधिकारों को त्याग दिया और अपनी सारी आमदनी समाज को समर्पित कर दी। अपने शरीर की सफाई के लिए आपने प्राकृतिक चिकित्सा का पालन करना प्रारंभ कर दिया। इसे आप आत्म प्रच्छालन भी कहते थे। आपने दवाइयों का बहिष्कार किया। उपवास तथा आहार के विभिन्न स्वरूपों पर आप प्रयोग करने लगे। आप मिट्टी और पानी से किए गए उपचारों में विश्वास करने लगे तथा स्वास्थ्य लाभ में काली मिट्टी के प्रयोग का ज्ञान प्राप्त किया। इसी शताब्दी के अंत में आपने एक पुस्तक गाइड टू हेल्थ के नाम से लिखी जिसमें आपने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों का उल्लेख किया है। इस पुस्तक की गिनती आपकी सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में की जाती है। सार्वजनिक कार्यों की प्रचुरता से अपना एक अखबार निकालना संभव हो पाया जिससे दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले साधारण भारतीयों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकी। जून 1903 से साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन चार भाषाओं में प्रकाशित होता रहा। अपनी एक रेल यात्रा के दौरान गांधी जी ने जॉन रस्कन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को पढ़ा जिससे वे अत्यंत प्रभावित हुए। तुरंत ही इन सिद्धांतों का पालन रोजमर्रा के जीवन में करने का निर्णय लिया। इस प्रकार 1904 में फोनिक्स गांव का जन्म हुआ, एक संगठित गांव जहां रहने के नियमों का कठोरता से पालन करना आवश्यक था। इस गांव में रहने वाले स्वावलंबी आत्मनिर्भर थे। इन्होंने अपनी आवश्यकताओं को बहुत सीमित कर दिया था। 1906 में जब जुलू रिबेलियन की स्थापना की गई तब गांधी जी का विश्वास ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति डामाडोल हुआ क्योंकि उन्हें तब पता चला कि यह अंग्रेजों की कारोगाही का ही एक दल था। इस समय गांधी जी ने ब्रह्मचर्य की शपथ खाई ताकि वे भविष्य में पूर्ण रूप से भारतीयों की समस्याओं पर अपना ध्यान लगा सकें। इस प्रकार आपने जाना कि किसी भी प्रकार के आत्म संयम से तथा इंद्रियों पर काबू पाकर ही मानवता की सेवा अबाध रूप से की जा सकती है। साधारण पारिवारिक जीवन यापन कर पाने में अधिकांश समय व शक्ति कुछ कम लोगों को जुटा पाने में खर्च हो जाता है। सितंबर 1906 में सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसके अनुसार सारे भारतीय पुरुष और नारी तथा 8 साल से ऊपर के बच्चों की उंगलियों की छाप दर्ज की गई। एक महासभा में गांधी जी ने कसम खाई कि वे ऐसे कानून का पालन करने के स्थान पर मृत्यु को गले लगाना अधिक पसंद करेंगे।
अपने इस अभियान में ही इन्होंने सत्याग्रह का नारा बुलंद किया। यही अंत में जाकर गांधी जी का जीवन दर्शन बना। सत्य आग्रह अर्थात सच्चाई का दामन पकड़े रहना, इस प्रकार के आंदोलन से गांधी जी सक्रिय रूप से मैदान में उतर आए। अपने इस अभियान के दौरान गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा जी एवं अन्य कई स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें कठिन सजा सुनाई गई। महात्मा गांधी के लिए सत्याग्रह तथा अहिंसावादी अभियान एक नागरिक अराजकता तथा युद्ध में कोई अंतर नहीं था। आपको विश्वास था कि अन्यायी सरकार के राज्य में जेल ही एक ऐसा स्थान है जहां न्यायी व्यक्ति को होना चाहिए। इसी साल 1909 में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज लिखी, जिसका तात्पर्य भारत के अपने बारे में स्वयं निर्णय लेने से है। ये पुस्तक आपके समाज और सामाजिक जीवन का सार है। इसमें आपने स्पष्ट रूप से भौतिक संपत्ति का अवमूल्यन किया है। आपने विदेशी संस्कृति की त्रुटियों की ओर जनजीवन का ध्यान आकर्षित किया तथा चेतावनी दी कि भारतवासी इनका अनुकरण न करें। 1910 में आपने एक और संस्था की स्थापना की जिसमें आत्म संयम के अनेक प्रयोगों पर बल दिया गया। आत्म संयम, परवरिश, भोजन व्यवस्था तथा अन्य नैतिक, धार्मिक एवं आर्थिक तत्वों के पालन के नियम बनाए गए। इस संस्थान, इस गांव का नाम आपने टॉलस्टॉय फार्म रखा। ये फार्म योहानिसबर्ग से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर था। गांधी जी और उनके साथियों को ये फार्म यहूदी शिल्पी हेरमान कालेनबख ने उपहार में दिया था। कालेनबख स्वयं भी इस फार्म पर रहा करते थे। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के निवास के दौरान इन दोनों में मित्रता हो गई और दोनों ने ही कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इसी समय ट्रांसवाल की सरकार ने नया कानून पास किया जिसके मुताबिक हिंदू, मुसलमान और पारसियों के विवाह को गैर कानूनी माना गया जिन्होंने भारतीय पद्धति से विवाह किया था। सिर्फ अंग्रेजी राज्य के रजिस्ट्रेशन को वैध माना जाने लगा। इस समय भारतीयों में विद्रोह की आग भड़क उठी। नए कानून का विरोध किया गया। जगह जगह पर हड़तालों का आयोजन किया गया जिसका असर उत्पादन पर पड़ा। कस्तूरबा गांधी को सत्याग्रहियों की नेता के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया। उनको 3 महीने की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। 6 नवंबर 1913 को गांधी जी ने 2000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के साथ ट्रांसवाल की ओर प्रस्थान किया। इस यात्रा का उद्देश्य नाटाल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालना था। इसके अलावा नए कानून की समाप्ति एवं प्रति व्यक्ति 3 पाउंड की कर वसूली का विरोध करना था। इन सबको गैर कानूनी जुलूस निकालने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। अनेकानेक समझौता वार्ताओं के बाद हिंदुस्तानियों के नागरिक अधिकार अभियान की जीत हुई। गांधी जी और उनके साथियों को जेल से रिहा कर दिया गया। इनकी सारी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। 20 साल अफ्रीका आवास के बाद गांधी जी अपने परिवार, कुछ मित्रों सहित भारत वापस आए। 1915 में भारत लौटने के बाद भी अन्याय के प्रति अपना युद्ध गांधी जी ने जारी रखा। यहां आपका हार्दिक स्वागत किया गया क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में इनके कार्यकलापों के समाचार भारतवासी सुना करते थे और इनसे सहमत भी थे। गांधी जी का स्वागत महात्मा के रूप में किया गया जिसका तात्पर्य महान आत्मा से था। ये उपाधि आपके पास आजीवन रही, हालांकि आपने स्वयं कभी इसका उपयोग नहीं किया। हां, बर्दाश्त अवश्य किया। सर्वप्रथम 1 साल के लिए गांधी जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया जिससे वो पूरे देश की यात्रा कर सकें और भारत को समझ पाएं। आपने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर की। 2 साल बाद 1917 में महामारी के कारण उन्हें एक निकटवर्ती स्थान पर आश्रम को ले जाना पड़ा।
यहाँ पर गांधी जी ने अपना ध्यान अछूतों की समस्याओं पर केंद्रित किया। आप इन्हें हरिजन यानी भगवान के लोग बुलाया करते थे। इन्होंने एक हरिजन परिवार को अपने आश्रम में आश्रय प्रदान किया। परिणाम स्वरूप आपके कुछ मित्रों और साथियों ने आश्रम को त्याग दिया। यहां तक कि आपके परिवार के कुछ सदस्य भी अन्य आश्रमवासियों के साथ आश्रम से निकल गए। गांधी जी के इस व्यवहार का विरोध करने का उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। आज इस आश्रम का नाम हरिजन आश्रम है। इसका संचालन गांधी स्मृति एवं अध्यापन केंद्र के हाथ में है। गांधी ट्रस्ट 7 गांधी म्यूजियम अर्थात गांधी संग्रहालयों का संचालन करता है, जो गांधी जी की जीवनी और कार्यकलापों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। यहाँ प्रदर्शित सामग्री का उपयोग प्रचार, अध्ययन तथा शोध कार्य के लिए नियमित रूप से किया जाता है। हरिजन आश्रम के प्रधान श्री अमृत भाई मोदी अपनी मातृभाषा गुजराती में बतलाते हैं कि साबरमती आश्रम भारत में गांधी जी ने कारण जानीतो तो थयो, कारण के 1915 में दक्षिण आफ्रिका थी आया त्यारे आश्रम में एमने आश्रम के नाम से प्रसिद्ध संस्था में गांधी जी के पत्र व्यवहार का प्रदर्शन किया गया है। 3,04,000 पत्र जो गांधी जी ने लिखे और उनके जवाब जो समस्त विश्व से प्राप्त हुए, उनका संकलन हमारे पास है, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। इसके अलावा हमारे संग्रह में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अनेक चित्र और फिल्में हैं। एक पुस्तकालय भी है जिसमें अनगिनत किताबें हैं। जाने माने भारतीय शिल्पी श्रीमान चार्ल्स कुरेया द्वारा निर्मित भवन के एक हिस्से में कई एक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है, जिनमें गांधी जी की जीवनी एवं जो समय उन्होंने अहमदाबाद में बिताया का विस्तृत लेखा जोखा है। गांधी जी यहाँ 15 साल तक रहे और यहीं से इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मजदूर संघ का जन्म हुआ। उस समय के निर्मित भवन की परिस्थिति आज भी सुदृढ़ है। जिस भवन में गांधी जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे, वहाँ अब रोज शाम को साउंड एंड लाइट शो दिखाया जाता है, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन का सचित्र ब्यौरा मिलता है। अन्य अवसरों पर भी महात्मा गांधी की याद में, जैसे कि उनकी सालगिरह के अवसर पर 2 अक्टूबर को तथा मृत्यु दिवस 30 जनवरी को यहाँ खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हालांकि यह आश्रम अहमदाबाद शहर से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर है, गांधी जी के समय में यह शहर की सीमा से बाहर हुआ करता था। आज यह शहर का एक हिस्सा माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों भारतीय यात्री दर्शनार्थ आते हैं। आज भी यह आश्रम समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है। यहाँ 200 से भी अधिक आश्रमवासी रहते हैं, जिनमें अधिकांश हरिजन हैं, जो यहाँ काम भी करते हैं। यहाँ चरखे पर सूत कातने के अलावा कागज के पुनर्उपयोग में ला सकने का सारा काम हाथ से किया जाता है। तेल और साबुन जो यहाँ बनाया जाता है, इसे भारत के दुकानदार और थोक व्यापारी ही नहीं खरीदते, बल्कि विदेशों में भी इसका निर्यात होता है। यात्रियों को यह सामग्री बड़े गर्व के साथ दिखाई जाती है तथा इस कारखाने की परंपरा से भी परिचित कराया जाता है, क्योंकि यहाँ एक आदर्श का पालन करते हुए हस्तकाम बिल्कुल साधारण मशीनों की मदद से पूरा किया जाता है। इन कामों को देखकर प्रेरणा मिलती है कि पूरे आश्रम का अवलोकन किया जाए और अगर भाग्य ने साथ दिया तो किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो गांधी जी के समय का है और उस जमाने के कुछ किस्से सुना सकता है। सत्याग्रह के अपने पहले अभियान में महात्मा गांधी ने उत्तर प्रदेश के बिहार प्रांत के किसानों के दमन का विरोध किया।
आपने स्वयं उनकी परिस्थितियों को देखा, समझा और इस पर संशोधन कार्य किया। परिणाम स्वरूप पता चला कि बिहार के किसानों से अंग्रेज जबरदस्ती सस्ते दामों में नील का उत्पादन करवाते थे। इसके अलावा इनसे लगान भी वसूल करते थे। किसान भूखों मरने लगे। सरकार ने जब गांधी से इस प्रांत से निकल जाने के लिए कहा तो आपने साफ मना कर दिया। जनता के हित में इस विषय पर और अधिक शोध करने का उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। न्यायालय में आपने तर्क उपस्थित किया कि अपने इस काम से वो सरकार का ना तो अपमान करना चाहते हैं और ना ही विरोध, बल्कि उस ईश्वरीय शक्ति का कानून मानना चाहते हैं जहां मनुष्य के प्रति न्याय किया जाता है। आपने अपना काम जारी रखा और शीघ्र ही एक रिपोर्ट तैयार की। परिणाम स्वरूप किसानों पर लगाया जाने वाला लगान कम कर दिया गया और उनसे जबरदस्ती नील की खेती भी नहीं करवाई गई। इसके बाद के दो अभियानों में गांधी जी को सफलता मिली कि अहमदाबाद में जुलाहों और कपड़ा मिल के कर्मचारियों की परिस्थितियों में सुधार हो। अहमदाबाद के निकट खेड़ा नामक स्थान में किसानों की परिस्थिति में भी सुधार हुआ। ये किसान सूखा पड़ जाने के कारण लगान नहीं भर पा रहे थे। इस अभियान में गांधी जी को उपास की महत्ता का ज्ञान हुआ। दुश्मन पर दबाव डालने के लिए नहीं, बल्कि आत्म संतुलन, आत्म ज्ञान के लिए, अंतरात्मा के प्रक्षालन के लिए तथा उन मजदूरों का साथ देने के लिए जो भूखे रहते थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारतवासियों को आशा बंधी कि नागरिक स्वतंत्रता का प्रचलन यहां भी होगा, क्योंकि युद्ध के दौरान नागरिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। किंतु जब 1919 में युद्ध के समय लगाई गई पाबंदियों की अवधि बढ़ा दी गई तो जनता में अराजकता फैलनी शुरू हो गई। गांधी जी ने भारत बंद यानी समस्त भारत में हड़ताल का ऐलान कर दिया। आप चाहते थे कि लोग ये दिन पूजा उपवास और आत्मचिंतन में बिताएं। ये सार्वजनिक हड़ताल प्रथम चरण था भविष्य की गतिविधियों के लिए। बहुत बड़ी संख्या में जनसमूह ने इसमें भाग लिया। इन्होंने शपथ ग्रहण की कि हम अहिंसा का पालन करेंगे तथा व्यक्तियों को और उनकी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सारा व्यवसाय और व्यापार ठप हो गया। जहां तहां अराजकता फैलने लगी। अनगिनत लोगों को बंदी बना लिया गया और इनको सजा सुनाई गई। लोगों के संगठित होने पर सभाओं पर पाबंदी लगा दी गई। इसी समय उत्तर प्रदेश के अमृतसर नगर में जब 2000 लोग अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए तो अंग्रेजों की सेना ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के इन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलाबारी में 400 लोग मारे गए और लगभग इससे 3 गुने लोग घायल हुए। परिणाम स्वरूप कई एक स्थानों पर जनता पर संक्रामक हमले हुए, जिससे विद्रोह की आग और भड़क उठी। गांधी जी को अपनी हिमालय पहाड़ जैसी भूल का ज्ञान हुआ। आपने जाना कि अभी सविनय प्रतिकार का समय परिपक्व नहीं हुआ है और उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आपने सारे देश में सत्याग्रह के आंदोलन को बंद करवा दिया। अपनी साप्ताहिक पत्रिका नवजीवन एवं यंग इंडिया द्वारा आपने सबसे पहले अपने उद्देश्यों और उसको पा सकने के मार्गों से अवगत करवाया। तत्पश्चात 1920 में अंग्रेजों की खिलाफत का अभियान चलाया। वायसराय के नाम से लिखे गए एक पत्र में आप कहते हैं कि ऐसी सरकार के प्रति श्रद्धा या सम्मति संभव नहीं है जो एक के बाद एक गलत कार्यों में रत हो, जिससे वो अपने अनैतिक कार्यकलापों पर पर्दा डाल सके। गांधी जी ने अपना सम्मान सूचक पदक, जो उन्हें दक्षिण अफ्रीका के कामों के लिए प्रदान किया गया था, लौटा दिया। आपने अपने देश के नागरिकों को ललकारा कि वे विदेशी वस्त्र, विदेशी वस्तुओं और अंग्रेजी स्कूलों और नौकरियों का बहिष्कार करें। अपने वस्त्रों के स्वतः निर्माण पर आपने जोर डाला। इस प्रकार सन 1920 में आपने आजीवन खादी पहनने का प्रण किया
और हाथ से काते हुए सूत और हाथ से ही बुने हुए वस्त्रों को धारण किया। शीघ्र ही कपड़ों के रूप में आपने एकमात्र खादी की लुंगी को स्वीकारा। गरीब देशवासियों के सामने वो ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि उनमें और गरीबों में कोई अंतर नहीं है, सभी भारतवासी समान हैं। अंग्रेजी वस्त्रों से मुक्ति पाने के लिए सारे देश में चरखे का वितरण प्रारंभ किया। सन 1921 में सार्वजनिक रूप से मुंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, जिसमें 1,50,000 विदेशी वस्त्र जले। गांधी जी ने चरखे को भारत का पवित्र प्रतीक चिन्ह करार किया। भारतीय नेशनल कांग्रेस ने इसे आजादी के झंडे पर प्रतीक स्वरूप स्थापित किया। इसे स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक माना जाने लगा, जिसे गांधी जी और उनके साथी राजनैतिक स्वतंत्रता के रूप में भी मानते थे। सन 1920 में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां विद्यार्थियों को स्वतंत्रता का सबक सिखाया जा सके और इनमें आत्मविश्वास पैदा हो। अहिंसात्मक आंदोलन तथा सरकार विरोधी गतिविधियों में अक्सर जनता की सरकार से मुठभेड़ हुई, जिसका जवाब अंग्रेजों ने दमन से दिया। लोगों को जेलों में डाल दिया गया। चौरी चौरा में प्रदर्शनकर्ताओं पर पुलिस ने अत्याचार किया। इसके एवज में भीड़ ने 21 पुलिस वालों की हत्या कर डाली। इस कांड के प्रतिकार में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रुकवा दिया और प्रायश्चित के रूप में 5 दिन तक उपवास किया। आपको जनता को भड़काने और अराजकता फैलाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश राज्य की खिलाफत का दोषारोपण किया गया और इन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। अस्वस्थता के कारण गांधी जी को फरवरी 1924 में सजा की अवधि पूर्ण होने से पहले ही रिहा कर दिया गया। आपको अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करवाना पड़ा। स्वास्थ्य लाभ कर आपने जाना कि भारत की जनता अभी अहिंसावादी आंदोलन के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, इसलिए आपने अपना ध्यान चरखे और दलित वर्ग के उद्धार की ओर लगाया। हालांकि गांधी जी का प्रमुख विरोध ब्रिटिश साम्राज्य से था, आप भारतीय समाज के सुधार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहे। समाज में होने वाले अन्याय को मिटाना आपने आवश्यक समझा। अछूतों की समस्या को गांधी जी भारतीय समाज का कलंक मानते थे। किसी को भी अछूत मानना पाप है, इसीलिए उन्होंने इन्हें हरिजन के नाम से संबोधित किया। आपकी कोशिशों के परिणाम स्वरूप हरिजनों का मंदिरों में प्रवेश संभव हो पाया और चुनावों में मत दे सकने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। अत्याचार का विरोध आप अपने कर्मचारियों के व्यवहार में भी नहीं करते रहे। सन 1928 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के उग्रवादी युवा वर्ग, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की गिनती भी की जाती थी, ने स्वराज्य की मांग की, चाहे फिर अंग्रेजों पर अत्याचार ही क्यों न करना पड़े, इन्होंने स्वतंत्र भारत में स्वराज्य और संविधान की एक योजना भी तैयार की थी। तब गांधी जी ने एक समझौता करवाया कि अंग्रेजों को 1 वर्ष का समय दिया जाए, जिसमें वो हमारी मांगे पूरी करें और भारत को धीरे धीरे स्वतंत्रता प्रदान करें। अंग्रेजों की अपनी कुछ और ही योजना थी, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानियों की मांगों को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार जनवरी 1930 में भारतीय नेशनल कांग्रेस ने एक स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया, जिसके अनुसार विश्वविदित सविनय प्रतिकार प्रारंभ हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह सबसे महत्वपूर्ण चरण था। इसके बाद नमक कानून का खंडन। गांधी जी इस समय अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर थे। आपको पता था कि हिंदुस्तानियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, इसलिए मार्च 1930 में आपने शपथ खाई कि आप अपने अहमदाबाद के आश्रम में तब तक नहीं लौटेंगे जब तक भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता। साबरमती नदी में साल के कुछ महीनों में ही पानी रहता है।
अहमदाबाद आज 20 लाख की आबादी वाला औद्योगिक नगर है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप पानी का स्रोत कम होता चला जाता है। संचित पानी की मात्रा में भीषण कमी आ गई है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर तेजी से बढ़ते हुए यातायात के साधनों के कारण फटा पड़ रहा है। शोर और प्रदूषण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पहले मगर ऐसा नहीं था। इतिहास साक्षी है कि यहाँ भी खुशहाली बरसती थी। इसकी स्थापना सन 1411 में उस समय गुजरात के शहंशाह अहमद शाह ने की थी। 16वीं सदी में इसकी गिनती भारत के सुंदरतम नगरों में की जाती थी। 100 साल बाद ही किंतु इसकी चमक धमक औद्योगिकरण के कारण समाप्त होने लगी, किंतु अहमदाबाद में इससे नवजीवन का संचार हुआ। आज कुछ खामियों के बावजूद भी अहमदाबाद में यात्रियों को लुभाने वाले कई एक दर्शनीय स्थल हैं। हिंदू और इस्लामी शिल्पकला पर आधारित इमारतों के भव्य नमूने यहाँ देखने में आते हैं। अहमदाबाद के पुराने हिस्से में रंग बिरंगे भव्य भवन हैं, जिन पर लकड़ी की नक्काशी का अति सुंदर काम किया गया है। अनेकानेक सुंदर मंदिरों और मस्जिदों की कतारों के बीच दुकानें और छोटे छोटे कारखाने भी हैं। प्रमुख रूप से यहाँ कपड़ा बनाने और बेचने का काम होता है। यही कारण है कि अहमदाबाद को इस सदी के प्रारंभ में पूर्व का मैनचेस्टर माना जाता था। अहमदाबाद में कुछ एक रोचक अजायब घर भी हैं। उदाहरण के लिए गांधी जी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के सामने के मैदान में एक सतत प्रदर्शनी लगी रहती है, जिसमें गुजरातियों के आविर्भाव का ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। यहाँ एक अनुसंधान शाला भी है। इस विश्वविद्यालय में आज भी बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। इस विश्वविद्यालय का गुजरात और इसके बाहर भी अच्छा नाम है। यहाँ सारे हिंदुस्तान से विद्यार्थी धर्मशास्त्र और समाजशास्त्र का अध्ययन करने आते हैं। शिक्षा का माध्यम गुजराती है और यहाँ के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वे खादी के वस्त्र धारण करें। इसके अलावा प्रतिदिन सीमित मात्रा में सूत भी काटें। इससे इनकी आधुनिकता में कोई कमी नहीं आती। इसका ज्वलंत उदाहरण है यहाँ का गणित शास्त्र का विभाग। यहाँ आधुनिक यंत्रों पर खादीधारी गांधीवादी युवा व्यक्ति आपको काम करते हुए नजर आएंगे। इन युवा व्यक्तियों के कंधों पर नई पीढ़ी की सारी आशाएं निर्भर हैं, जो गांधी जी के समाज सेवा के स्वप्न को भविष्य में भी साकार करेंगे। जिस प्रकार पश्चिम के उद्योग प्रधान देशों में अनर्थक उपभोग के विरोध की लहर उठी है, उसी प्रकार भारत में भी अपनी अच्छी आय वाली नौकरियों को लात मारकर कई एक लोग समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। अन्यथा अपने काम के साथ साथ अपनी आसपास की दुनिया को सुधारने का काम कर रहे हैं। युवा पीढ़ी में गांधीवाद का जागरण कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें भारतीय संस्कृति में हैं। आशा की जाती है कि अगले कुछ वर्षों में समाज सुधारक संगठन प्रकृति के प्रति जागरूकता और मानवीय सम्मान के क्षेत्र में और भी प्रगति होगी, खासकर तब जब उपभोग प्रधान व्यवहार की त्रुटियां सामने आएंगी और अपने ही शरीर पर इसके परिणाम दृष्टिगत होंगे। इन घातक परिणामों को किस प्रकार समाप्त किया जाएगा, इसका उत्तर तो समय ही दे सकता है। एक सीमा तक सफल अभियान नर्मदा का बांध था, जिससे आशा की एक किरण जागती है। यहाँ अहमदाबाद में स्थित औरतों के काम सेवा का उल्लेख करना भी बहुत आवश्यक है। इसका पूरा नाम है सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन। यह महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का एक संगठन है। यहाँ की कार्यकर्ता श्रीमती प्रतिभा पांडे ने बताया कि सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सेवा बेसिकली इज अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ऑर्गेनाइज द वुमेन टुवर्ड्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। की स्वयं सेवा परंपरा के अनुसार 1970 में सेवा ने जन्म लिया,
बच्चों के स्वास्थ्य और परिवेश की देखभाल, उनकी स्कूली शिक्षा के अलावा आवश्यक था कि महिलाओं को उनके अधिकारों का ज्ञान भी कराया जाए। व्यावहारिक शिक्षा के ज्ञान से इनमें आत्मनिर्भरता आई। सेवा ने पहले महिलाओं के कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की। इस बैंक से महिलाओं को कम ब्याज पर पैसा उधार दिया जाता है, जिससे वे अपना कोई काम प्रारंभ कर सकें। इस प्रकार गांव में रहने वाले परिवार आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में सुधार कर पाते हैं। सेवा की ओर से ऐसी संस्थाओं का संचालन भी किया जाता है जहां काम सिखाया जाता है। सरकारी संस्थाओं के अनुबंधन से कई लोगों को काम दिलाया जाता है। हमारी मजदूर संस्था, जो एक आंदोलन भी है, लोगों को शिक्षित करती है हिसाब किताब समझने में, दफ्तर का काम सीखने में, संस्था के संचालन में। इन कामों में आपको अंतरराष्ट्रीय मान्यता और पुरस्कार मिले हैं। सेवा अब दूसरे शहरों तक पहुंच चुकी है। काम करने की अनेक गतिविधियां सेवा से प्रारंभ हुई हैं और जिन्हें इनसे बढ़ावा मिला है। वर्तमान औद्योगीकरण के परिवेश में अगर ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी जी के कार्यों का कोई महत्व अब नहीं रह गया है, तब भी ऐसे उपक्रमों की कमी नहीं है जो गांधी जी के सिद्धांतों पर आज भी कार्यरत हैं। लोगों में चेतना की लहर पैदा करने के लिए गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए नवजीवन प्रकाशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। लगभग हर प्रांतीय भाषा में कम दामों में गांधी जी के लेखों को इन्होंने प्रकाशित किया है। अनेक सामाजिक गतिविधियों का बीजारोपण आज से आधी शताब्दी पूर्व हुआ था। फिर नमक की एक कंकरी इसके लिए दोषी थी। जो भी हो, मार्च 1930 में अहमदाबाद के सत्याग्रह आश्रम से 380 किलोमीटर की पद यात्रा की शुरुआत दांडी के लिए हुई थी, जो गुजरात की दक्षिण सीमा पर स्थित समुद्र तट है। जीवन के लिए आवश्यक नमक की पैदावार पर अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी और इस पर कर लगाकर इसे ऊंचे दामों में बेचा जाता था। गरीब किसान मजदूरों के लिए यह एक अमूल्य निधि बन गया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 स्वयंसेवकों के साथ नमक सत्याग्रह का शुभारंभ किया। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण कार्य था। नमक कानून को तोड़ना और अंग्रेजों से उसे पूरी आजादी दिलाना आपने अपने देश के नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक समझा। अपनी इस यात्रा के दौरान गांधी जी जिस गांव में भी रुके, अपने भाषणों में कहा कि भारतीय समाज का सुधार कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों की शादी पर उसी प्रकार पाबंदी लगाई जानी चाहिए जिस प्रकार शराब पर लगाई जाती है। आपने चरखे के महत्व को समझाया, गांव की सफाई पर बल दिया, छूत अछूत का भेदभाव मिटाया जाए और धार्मिक सहिष्णुता अपनाई जाए। गांधी जी ने अपनी मांगों को एक ठोस कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि अगर उस पर अमल किया गया तभी सर्वोदय की प्राप्ति हो सकती है, हर एक का कल्याण इसी प्रकार संभव हो सकता है। प्रतिदिन गांधी जी और उनके साथी 15 किलोमीटर पैदल चलते थे। 5 अप्रैल 1930 को जब आप दांडी पहुंचे तो सारी दुनिया में ये खबर फैल चुकी थी। देश के लोगों में अशांति फैल रही थी क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था कि वे गांधी जी की मांगों को स्वीकार करेंगे। उन्होंने बात को तब तक बढ़ने दिया जब एक दिन गांधी जी ने प्रातः स्नान के बाद हिंद महासागर के एक मुट्ठी नमक को उठाकर अंग्रेजों के कानून को भंग कर दिया। नमक पर इनका एकाधिपत्य समाप्त हो गया। सारे देश में आग की सी ज्वाला भड़क उठी। सारे समुद्र तटों पर दृढ़ विश्वास के साथ किंतु नम्रतापूर्वक नमक बनने लगा। साधारण साधनों से सफाई के बाद उसे बेचा गया। औरतों ने इस अभियान में एक विशेष भूमिका निभाई। निर्णय की इस घड़ी में बहुत सारी महिलाएं घर की चार दीवारी छोड़कर बाहर आ गईं और इस संघर्ष में सक्रिय हिस्सा लिया।
गांधी जी इस बारे में कहते हैं कि अहिंसा के इस युद्ध में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कहीं अधिक होना चाहिए। औरतों को अबला कहना उनका अपमान करना है। पुरुष वर्ग इस प्रकार औरतों के साथ अन्याय करता है। अगर अहिंसा ही हमारा परमो धर्म है तो भविष्य महिलाओं के हाथ में ही होगा। जनता इस अभियान में एकजुट हो गई। पुलिस ने हजारों को गिरफ्तार किया। लगभग 60,000 राजनैतिक कैदियों से जेल भर गए। इस बार जनता ने शांति का पालन किया। गांधी जी को भी कैद कर लिया गया। फिर भी इस अभियान को आगे चलाने के लिए 2,500 सत्याग्रहियों ने नमक के कारखाने धारासना में धरना दिया। अन्य स्थानों की तरह यहां भी शांतिपूर्वक विरोध करने वालों का मारपीट से दमन किया गया। इसमें कई लोग घायल हुए और कई मारे गए। सरकार ने अपनी दमन नीति जारी रखी। हर मोर्चे का जवाब अंग्रेजों ने हिंसात्मक बल प्रयोग से दिया। हर नए बल प्रयोग से ये अवसर भी मिला कि इसकी अवहेलना की जाए। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और शराबों की दुकानों के बाहर धरना देने को और तूल मिल गया। किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। सारे भारतवर्ष में विद्रोह की आग भड़क उठी। कई एक स्थानों पर कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंदुस्तान ने एक महान जेल का रूप धारण कर लिया। इन परिस्थितियों ने जनता के मनोबल को बढ़ाया और शक्ति प्रदान की कि वो अपना अभियान जारी रखें। 26 जनवरी 1931 को जब गांधी जी को जेल से रिहा किया गया तो वो दिन था जिसकी घोषणा गांधी जी ने आज से एक साल पहले स्वतंत्र भारत के लिए की थी। मैं भी आजादी की तमन्ना रखता हूं, अगर इसे शांतिपूर्वक प्राप्त किया जा सके तो। भारत के वायसराय श्रीमान लॉर्ड इरविन से कई वार्तालापों के बाद मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन इसमें आजादी का कोई जिक्र नहीं था। नमक बनाने और नमक बेचने की अनुमति मगर भारतवासियों को मिल गई। परिणाम स्वरूप नमक सत्याग्रह के सारे बंदियों को रिहा कर दिया गया। इस प्रकार सविनय प्रतिकार के अभियान को रोक दिया गया और नई समझौता वार्ताओं की भूमिका बन पाई। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के वैध प्रतिनिधि के रूप में कुछ अन्य अधिकारियों के साथ सितंबर 1931 को लंदन आमंत्रित किए गए। इस कॉन्फ्रेंस में निर्णय लेना था कि भारतीय वस्त्रों को इंग्लैंड में निर्यात करने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे समाप्त किया जाए। इसके अलावा किसानों को उनकी जब्त की हुई जमीन को लौटा दिया जाए। एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके अनुसार धर्म और शासकीय शक्तियों के बीच संघर्ष न हो। भारत की जनता आस लगाए बैठी थी कि इस समझौता वार्ता में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एसएस राजपूताना जहाज पर अपनी इंग्लैंड यात्रा के दौरान भी गांधी जी अपने हिस्से का सूत स्वयं काटते थे और यदा कदा भाषण भी देते थे, जिसमें अहिंसा द्वारा आजादी प्राप्त करने की चर्चा होती थी। लंदन में आप किंग्सले हॉल में रुके, जहां ऐसी संस्थाओं का अड्डा था जो पूर्वी लंदन में गरीबों के तबके में समाज सेवा का काम करते थे। तमाम लोग गांधी जी का स्वागत करने के लिए यहां एकत्रित हो गए। I am thankful that I got this opportunity of being surrounded by the happy children and seeing the homes of the poor. मैं इस अवसर को पाने का बहुत आभारी हूँ। मैं प्रसन्न बच्चों से मिल पाया और मुझे गरीबों की कुटिया को देखने का मौका मिला। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने अपने विचार बड़े ही स्पष्ट रूप से सभा के सामने प्रस्तुत किए। फिर भी इन्हें भारत की स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। इस प्रकार भारतवासियों की दृष्टि में ये मिलन परिणाम रहित ही रहा। गांधी जी ने अपने इंग्लैंड आवास का उपयोग भारत की जनता के प्रति सहानुभूति अर्जित करने के लिए भी किया, जिसमें उन्हें बहुत बड़ी हद तक सफलता भी मिली। जब गांधी जी से यह प्रश्न किया गया कि वे अंग्रेज राजा के दरबार में दिए गए स्वागत समारोह में इतने कम कपड़े पहनकर क्यों गए,
तो उन्होंने जवाब दिया कि राजा जी ने दोनों के लिए काफी कपड़े पहन रखे थे। चार्ली चैपलिन गांधी जी से हुई मुलाकात से इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना स्वरूप एक फिल्म की पटकथा लिखी और उसका शीर्षक आधुनिक समय यानी मॉडर्न टाइम रखा। गांधी जी की लंदन से विदाई उत्साहवर्धक थी। Ever the result of the mission that brought me to London, I know that I shall carry with me the pleasantest memories of my stay in the midst of the poor people of East London. मैं चाहे जिस आशा के साथ लंदन आया हूँ, मैं जानता हूँ कि पूर्वी लंदन के गरीबों और मजदूरों के बीच रह पाने की बहुत अच्छी यादें लेकर मैं वापस लौट रहा हूँ। अपने वापसी के रास्ते में गांधी जी फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली भी गए। पोप ने गांधी जी के सही वस्त्रों को नहीं धारण करने के कारण उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इटली के तानाशाह मुसोलिनी की भी मुलाकात के बारे में गांधी जी ने कहा कि उसका चेहरा विकृत और नियत खराब दिखती थी, उसकी आंखें बहुत चंचल थीं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भारतवासियों को संतोष नहीं हुआ। विद्रोह की आग भड़कने की फिर से संभावना थी, इसलिए डर के मारे अंग्रेजों ने 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को खतरनाक देशद्रोही के रूप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अनिश्चित अवधि के लिए पूना की यरवदा जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों का शक सही निकला। इसके अलावा गांधी जी भी चाहते थे कि कम से कम कुछ समय के लिए देश में शांति स्थापित हो जाए, मगर अंग्रेजों ने एक बार फिर डिवाइड एंड रूल की राजनीति का प्रदर्शन करने के लिए नया कानून बनाया, तो गांधी जी के लिए आवश्यक हो गया कि वे इस मामले में दखलअंदाजी करें। अछूत वर्ग हिंदुओं से अलग मतदान करते थे। गांधी जी को यह सुनकर बहुत पश्चाताप हुआ कि उच्च वर्ग के हिंदू भी इस निर्णय से सहमत थे। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल कार्यप्रणाली को समाप्त करने के लिए और हिंदुओं के जातिवाद का अंत करने के लिए एवं हरिजनों को समाज में बराबर का स्थान दे पाने के लिए 20 सितंबर 1932 में गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। एक स्वतंत्र कमेटी ने जब निर्णय सुनाया कि भारत के सभी नागरिक एक ही स्थान पर मतदान करेंगे और अछूतों की सामाजिक परिस्थितियों में सुधार किया जाएगा, तब जाकर कहीं 6 दिन के बाद आपने उपास तोड़ा। जेल से नवंबर 1933 में अपनी रिहाई के बाद गांधी जी ने कई महीनों तक सारे हिंदुस्तान की हरिजन यात्रा की। इसके द्वारा आपने अपने देशवासियों को यह समझाने का प्रयत्न किया कि भारत की स्वतंत्रता तभी संभव है जब वो छूत अछूत के श्राप से मुक्त हो जाए। इस प्रकार अछूतों को कई मंदिरों में प्रवेश मिला और वे हिंदुओं के कुएं से पानी भी भर पाए। गांधी जी के दल के कई साथी आपकी अहिंसा की नीति से निराश हो चुके थे। उन्हें लगता था कि आजाद हिंद का सितारा दिन प्रतिदिन दूर होता जा रहा है। गांधी जी ने अपने आप को राजनैतिक दंगल से हटा लिया और पूर्ण रूप से ग्राम विकास और दलित वर्ग की सेवा में जुट गए। नमक अभियान के बाद गांधी जी का कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था, इसलिए लगभग भारत के मध्य में 1934 के अंत में एक नए आश्रम की स्थापना की। अहमदाबाद के आश्रम को समाप्त करके अपने साथियों और आश्रम निवासियों के साथ वर्धा में सत्याग्रह आश्रम बनाया। इस आश्रम का प्रमुख काम अनुसंधान करना था, जिससे ग्राम उद्योग को बढ़ावा मिले। ग्राम विकास और ग्राम उद्योग गांधी जी के लिए अति महत्वपूर्ण थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि गांव में उत्पन्न होने वाला कच्चा माल यहां के लोगों की योग्यता और मशीनों का उचित उपयोग हो। खाद्य सामग्री और कलपुर्जों के बारे में गांधी जी का कहना था कि भारत के गांव में धान हमेशा छीलकर और साफ करके खाया जाता है, किंतु अगर चावल को बिना छीले गेहूं को हाथ से पीसकर और दलिया खाया जाए तो यह न केवल स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि गांव में इससे कई लोगों को काम भी मिल सकता है।
जहाँ काम कर सकने वाले हाथों की कमी हो वहाँ अवश्य ही मशीन का प्रयोग करना चाहिए, किंतु जहाँ हाथ अधिक और काम कम हो तो मशीन एक अभिशाप है। भारतवर्ष में तब भी और आज भी हाथों की कमी नहीं है, कमी अगर है तो काम की। ग्राम विकास के लिए गांधी जी का कहना था कि हर गांव का अपना एक स्कूल होना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पढ़ाई की व्यवस्था लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं थी, इसलिए गांधी जी ने स्कूलों में अध्यापन की एक ऐसी योजना बनाई जो भारतवासियों की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों पर खरी उतरती थी। स्कूलों की आर्थिक स्वतंत्रता के अलावा गांधी जी चाहते थे कि विद्यार्थियों की सूझबूझ और मनोबल को भी बढ़ावा दिया जाए। हस्तकाम की शिक्षा को वे अत्यंत आवश्यक समझते थे। नई तालीम की परियोजनाओं ने भारत की शिक्षा प्रणाली को बहुत प्रभावित किया है। ऐतिहासिक भवन, जहां गांधी जी की शिक्षा परवरिश की योजना ने जन्म लिया था, वहां आज भी शिक्षा संबंधित सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उस समय के भवनों को आज भी अच्छी परिस्थितियों में पाया जाता है, ताकि यहां आने वाले दर्शनार्थी उनका अवलोकन कर सकें। गांधी जी के कुछ साथी और रिश्तेदार अभी भी यहां रहते हैं, हालांकि आश्रम की क्रियात्मक गतिविधियां समाप्त प्राय हैं। यहां आने वाले यात्री अंतरराष्ट्रीय धार्मिक प्रार्थनाओं में भाग ले सकते हैं और कैंटीन में खाना खा सकते हैं। आश्रम वासियों के लिए आज यह आवश्यक नहीं है कि वे आश्रम में भोजन भी करें, जैसा कि पहले हुआ करता था। आज उस समय की केवल यादें भर बाकी हैं, जिसके बारे में यात्रियों को बतलाकर वे खुश होते हैं, किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसा कि गांधी जी की बहू निर्मला हिंदी में बतलाती हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उनसे मिलना, और जो बहने आती है, भाई आते हैं, तो उनको जरा दहेज के बारे में समझाना कि शादी में लड़की का दहेज देना भी नहीं और लेना भी नहीं, लड़की को स्वतंत्र शक्तिशाली बनाना, ये मेरा मुख्य ध्येय होता है। एक दुकान में ग्रामोद्योग की वस्तुएं और गांधी साहित्य सस्ते में बिकता है। इस सारे क्षेत्र को गांधी सेवा ग्राम के नाम से पुकारा जाता है, अर्थात सेवा करने वालों का गांव। गांधी जी ने सेवा ग्राम के लिए वर्धा को ही क्यों चुना? इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय नेशनल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष जमनालाल बजाज, जो उस समय भी बहुत बड़े उद्योगपति थे, से उन्हें यहाँ जमीन दान में मिली थी। आज भी जमनालाल बजाज संस्थान गांधी जी के विचारों पर कार्यरत संस्थाओं और लोगों की मदद करता है, जो राष्ट्र के विकास में योगदान देते हैं। बजाज जी के महती उद्योग का अनुमान भारत की यात्रा करने वाले प्रवासियों को इस बात से हो सकता है कि सारे देश में इस उद्योग में बनने वाले विशेष स्कूटरों का प्रचलन है। श्रीमान बजाज जी का मूल निवास स्थान आज भी वर्धा ही है। आज भी इनकी बहुत सारी जमीन जायदाद यहाँ है। जमनालाल बजाज की याद में गोपुरी में पत्थर की सिल्लियों पर पूरी भगवत गीता का लेख है। इन सिल्लियों को ऐसे क्रम से लगाया गया है कि ये गाय का स्वरूप प्रदर्शित करती हैं। गौरक्षा के काम में जमनालाल बजाज जी स्वयं बहुत सक्रिय थे। वर्धा का गांधी आश्रम आज एक स्मृति चिन्ह स्मारक के रूप में पाया जाता है, किंतु वर्धा के आसपास लगभग 200 ऐसी संस्थाएं पाई जाती हैं जो समाज सेवा के कार्य में रत हैं। इस प्रकार इस सारे क्षेत्र को गांधी जी के प्रतीकात्मक गांव के रूप में माना जा सकता है। अधिकांश संस्थाएं ग्राम विकास योजना के अंतर्गत काम कर रही हैं, जहां गांवों में पाई जाने वाली तकनीक को बढ़ावा दिया जाता है।
इसके अलावा स्वास्थ्य और सफाई के कामों की ओर ध्यान दिया जाता है। गांव में स्थापित अनुसंधान शाला में शोध कार्य किया जाता है ताकि दिनचर्या के काम में आने वाली वस्तुओं का पुनर्निर्माण और पुनर्उपयोग संभव हो सके। हालांकि यहाँ का काम और 10 सालों का अनुभव केवल भारत में ही उपयोग में लाया जा सकता है, फिर भी विदेश की कुछ प्रदूषण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं इनसे लाभान्वित हुई हैं। पड़ोस के अध्ययन केंद्र में जहां अहिंसा की शिक्षा दी जाती है, युवा वर्ग एक वर्ष के समय में अहिंसा से संबंधित सिद्धांतों को समझते और उन्हें प्रयोग में लाते हैं। इस बोर्डिंग स्कूल में 30 विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था भी है। इन्हें यहाँ भाषणों से तथा कार्यकलापों से प्रतिदिन की दिनचर्या में अहिंसा के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाता है। इस शाला से कुछ ही दूरी पर एक कोढ़ियों के उपचार का अस्पताल भी है, जिसकी स्थापना गांधी जी के प्रयत्नों से की गई थी। यहाँ पर न ही केवल 350 लोगों का इलाज किया जाता है, बल्कि उन्हें अवसर प्रदान किया जाता है कि अपनी सीमित व्यावहारिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर वे कोई हस्तकाम भी सीख सकें। इस प्रकार उन्हें समाज में पुनः प्रवेश मिल जाता है। भारत में कोढ़ के मरीजों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि छूत की बीमारी के डर से उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, जबकि यह आज प्रमाणित तथ्य है कि लेप्रेसी अब छूत की बीमारी नहीं रह गई है। बर्धा से 8 किलोमीटर की दूरी पर विनोबा भावे जी का आश्रम है, जो गांधी जी के सहकर्मी थे और गांधी जी इन्हें अपना धार्मिक वारिस बुलाते थे। इस आश्रम की जमीन धाम नदी के किनारे है। आज यहाँ रहने वाली छोटी और बड़ी हर सामाजिक स्तर की महिलाएं इसे आदर्श समाज की एक प्रयोगशाला मानती हैं। यहाँ रहने वाली महिलाएं स्वावलंबी हैं और इसी आधार पर यहाँ सारे निर्णय लिए जाते हैं। यह आश्रम भारतवासियों के लिए तो एक तीर्थ यात्रा की तरह ही है। कई एक विदेशी भी इसी उद्देश्य से यहाँ आते हैं। इस स्मृति स्थल की स्थापना श्रीमान विनोबा भावे ने की थी, जो सन 1982 में स्वर्गवासी हुए। 1950 और 60 में आप अपनी पद यात्राओं के कारण प्रसिद्ध थे, जिसमें इन्होंने जमींदारों से प्रार्थना की थी कि अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गरीब किसानों को दान के रूप में दे दें। 1959 में आपने आश्रम का संपूर्ण कार्यभार महिलाओं के हाथ में सौंप दिया, जहां ये पूर्ण रूप से बौद्धिक और धार्मिक प्रगति पर ध्यानबद्ध हो सकें। साधारणतया भारतीय परिवार के ढांचे में कर्तव्यों की भरमार के मारे औरतों को इस प्रकार के चिंतन के लिए समय नहीं बच पाता। इस आश्रम की व्यवस्था अत्यंत प्रभावशाली है, इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि सत्य की खोज में पूर्व और पश्चिम से लोग यहाँ आते रहते हैं तथा अन्य संस्थाएं इसे आदर्श स्वरूप मानती हैं। सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपने उस खास विद्यार्थी के रूप में चुना जो सत्याग्रही के रूप में इस युद्ध में हिस्सा लेने का विरोध करे। इससे पहले गांधी जी श्रीमान एडोल्फ हिटलर को एक पत्र लिख चुके थे, जिसमें युद्ध की विनाशकता की ओर ध्यान बटाते हुए आपने निवेदन किया था कि वो युद्ध को यहीं समाप्त कर दे। इस पत्र का उत्तर नहीं आया। हिंदुस्तान की नेशनल कांग्रेस ने नाजियों के अत्याचार का विरोध किया। इससे गांधी जी को एक नया अभियान प्रारंभ करने का मौका मिला। इस प्रकार एकांतक सविनय प्रतिकार का जन्म हुआ। गांधी जी स्वयं तो इस अभियान से बाहर रहे, आपने विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रही होने की घोषणा की। इस प्रकार सार्वजनिक रूप से अंग्रेजों की ओर से युद्ध में हिस्सा लेने का विरोध उन्होंने किया। भावे को बंदी बना लिया गया और 3 महीने की कैद की सजा हो गई।
इसके साथ ही अनेक और लोगों ने भी इस युद्ध विरोधी अभियान में हिस्सा लिया, जिसका दायरा बढ़ता चला गया। अंग्रेजों ने जब सत्याग्रह की प्रगति के समाचारों को छापने पर पाबंदी लगा दी तो गांधी जी ने अपना समाचार पत्र छपवाना भी बंद करवा दिया और कहा कि प्रत्येक सत्याग्रही अपने आप में एक समाचार है। अपनी सतत मांग की वापसी के बिना कि भारत में स्वराज्य आना चाहिए, आपने हड़तालों और जुलूसों को रोक दिया, क्योंकि अब तक 20 लाख लोग गिरफ्तार हो चुके थे। देश में बढ़ते हुए तनावों के कारण यह आशंका थी कि विद्रोह की आग से लोग आतंकवादी न हो जाएं। सन 1942 में अंग्रेजी युद्ध मंत्रालय ने एक प्रतिनिधि मंडल भारत भेजा ताकि वो युद्ध की समाप्ति पर भारत की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श कर सकें। उस समय के सारे राजनैतिक दलों और नेताओं ने इनके सुझावों से इनकार कर दिया, क्योंकि इनकी शर्तों को स्वीकार करना असंभव था। इस प्रकार स्वतंत्र भारत का सपना फिर से साकार होते होते समाप्त हो गया और आजादी की आशा फिर और दूर होती चली गई। युद्ध के दौरान जापान के आक्रमण का खतरा पैदा हुआ और गांधी जी के दिमाग में क्विट इंडिया, भारत छोड़ो के अभियान ने जन्म लिया। नेशनल कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की 7 अगस्त 1942 की मुंबई में ही की जाने वाली एक सभा में भारत छोड़ो के विचार को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। फिर भी अंग्रेजों पर निर्भर होने के कारण अपना पक्ष कमजोर ही रहा। गांधी जी ने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य का अब अंत होना चाहिए। एक बहुत लंबे भाषण में उन्होंने आदरपूर्वक अंग्रेजों से भारत से चले जाने को कहा। अपने साथियों को यह नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। समाचारों पर पाबंदी के होते हुए भी यह नारा आग की तरह सारे देश में फैल गया। जगह जगह दंगे फसाद होने लगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और उसके सदस्यों को बंदी बना लिया गया। गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा जी और उनके सचिव महादेव देसाई तथा उनकी अंग्रेज सहकारिणी मडलेन स्लेड, जिन्हें गांधी जी मीराबेन बुलाया करते थे, को गिरफ्तार कर लिया गया और बिना किसी कानूनी कार्रवाई के पूना की जेल में बंद कर दिया गया। 2 साल के कारावास की अवधि में महादेव देसाई और कस्तूरबा जी का देहांत हो गया। अपनी धर्म पत्नी के स्वर्गवास पर गांधी जी ने कहा कि बा के बिना जीने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। वह स्थान जहां से भारत छोड़ो अभियान प्रारंभ किया गया था और जहां पुलिस के साथ संघर्ष हुआ था, उस ऐतिहासिक स्थान का नाम आज भी अगस्त क्रांति स्थल है। अन्य बड़े स्थानों की तरह यह भी 1,40,00,000 की आबादी वाले शहर में, जहां वाहनों की निरंतर भागदौड़ है, शांति स्थल सा प्रतीत होता है। आज के मुंबई शहर को देखते हुए इस बात की कल्पना तक करना असंभव लगता है कि 350 साल पहले हिंद महासागर के किनारे पर एक छोटा सा मछुआरों का गांव था, जिसका नाम मुंबई, हिंदुओं की देवी मुंबा देवी के नाम पर रखा गया था। उस जमाने में यह गुजरात का एक हिस्सा था, जिसको पोर्तुगीज शासक को 1534 में दान कर दिया गया था। इन्होंने इसे सन 1661 में अंग्रेजी राज्य को दहेज में दे दिया। 7 साल के बाद सन 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही कम दामों पर इस गांव को किराए पर ले लिया, क्योंकि यहां पर एक प्रकृति से संरक्षित बंदरगाह था। तभी से मुंबई प्रगति के मार्ग पर ऐसा अग्रसर हुआ कि यह अतिशयोक्तियों का महानगर बनता चला गया। आज यहां के बंदरगाह पर संपूर्ण भारत का 50% निर्यात कार्य होता है। यह उद्योग प्रधान महानगर 35% आमदनी का सूत्र है। दुनिया के
10 बड़े उद्योग प्रधान नगरों में इसकी गिनती होती है। बंबई के लखपतियों की संख्या जर्मनी से कहीं ज्यादा है और कुछ स्थानों पर जमीन के दाम टोक्यो से भी अधिक हैं। प्रतिवर्ष यहां 700 से भी अधिक फिल्में बनाई जाती हैं। इस प्रकार फिल्म निर्माण में मुंबई विश्व में प्रथम स्थान पर है। वुड का प्रोडक्शन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए प्यार से या ताना देते हुए कुछ लोग इसे बॉलीवुड बुलाते हैं। हालांकि टेलीविजन के दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होने वाले कार्यक्रमों से फिल्म उद्योग को खतरा तो है, परंतु जन साधारण अभी भी 3 घंटे तक चलने वाली सिनेमा के पर्दे पर घटनाओं को देखना अधिक पसंद करते हैं। सिने अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता हॉलीवुड के सितारों से कहीं अधिक है, इसलिए कई एक फिल्मी कलाकार अपने सक्रिय समय में अन्यथा अवकाश प्राप्त करने के बाद अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए राजनीति के अखाड़े में आ जाते हैं, जो उन लोगों से कम नहीं है जिन्होंने राजनीति को अपना पेशा बना रखा है। मुंबई में समाज सुधार की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इस शहर की आबादी प्रतिदिन 2000 की संख्या में बढ़ रही है। अपनी आमदनी और जीवन स्तर सुधारने की कोशिश में लगातार गांवों से और छोटे शहरों से लोग यहां आते रहते हैं। इनमें से अधिकांश झोपड़पट्टी में या फिर एक तिहाई अन्य मुंबई वासियों की तरह सड़क पर रहते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें ढंग की नौकरी मिलती है या फिर उन्हें कई एक छोटे मोटे काम करके गुजारा करना पड़ता है। अक्सर इस प्रकार के काम में गांव से अधिक आमदनी तो हो ही जाती है, किंतु जब बंबई की महंगाई का मुकाबला करना पड़ता है तब अपने सारे सपने रहन सहन को सुधार पाने के टूट जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन लोगों की परिस्थितियां बेहतर हैं जो मुंबई शहर से बाहर रहते हैं और प्रतिदिन काम तथा निवास स्थान के बीच की रेल की यात्रा करते हैं। कभी कभी तो आने जाने के 8 घंटे लगते हैं। शायद यही कारण है कि मुंबई को लोग ऐसा शहर कहते हैं जो कभी नहीं सोता। यहाँ के प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस, जिसे वीटी के नाम से जाना जाता है, प्रतिदिन 20 लाख यात्री यात्रा करते हैं और 1000 रेलें रवाना होती हैं। इसका निर्माण लंदन के सेंट पैंक्रिस की शैली में किया गया है, जो ब्रिटिश निर्माण कला का एक भव्य नमूना है। इस प्रकार के कुछ एक भवन मुंबई में अब भी विद्यमान है। मार्च 1993 की बम दुर्घटना का यह भी एक निशाना था, किंतु इस भवन पर भूचाल, आतंकवाद और बमबारी के निशान तक नजर नहीं आते। लगता है मानो इन सारी घटनाओं का इस महानगर पर कोई असर नहीं हुआ। इस सदी के प्रारंभ में ही महात्मा गांधी ने भारत के महानगरों को महामारी के फोड़ों की संज्ञा दी थी। इस समय यह एक अभिशाप की तरह लगता था, किंतु 1994 में यह भविष्यवाणी सत्य लगने लगी जब मुंबई के निकट महामारी का प्रकोप हुआ। इस आग को छपने वाली खबरों से और तूल मिला और देखते ही देखते आतंक की स्थिति पैदा हो गई। सौभाग्यवश यह महामारी इतनी खतरनाक नहीं थी जैसी की कल्पना की जा रही थी। मुंबई फिर अपनी दिनचर्या में व्यस्त नगर बन गया, जहां प्रतिदिन घटनाएं और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कुछ वारदातों को घटना का नाम दे दिया जाता है। आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन यहां ऐसी गति से हो रहे हैं कि कभी कभी लगता है कि हर सांस एक परिवर्तन का रूप धारण कर लेगी। फैशन की प्रगति का अनुमान मुंबई से अच्छा और कहीं नहीं लगाया जा सकता। 1990 के प्रारंभ से व्यापार के क्षेत्र में जो सुधार किए गए हैं, उसके परिणाम स्वरूप अब भारत पश्चिम के उद्योगों के लिए भी एक विशाल बाजार बन गया है। अधिक से अधिक पश्चिमी व्यापार संस्थान भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं।
प्रसारण माध्यमों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का प्रयोग रोजमर्रा के जीवन में विशेष स्थान पाता जा रहा है, किंतु साथ ही यह भी निश्चित है कि आम जनता में 30% भारतीय ही उपभोक्ता सामग्री को खरीद पाने में समर्थ हैं। ये हैं उच्च वर्ग के लोग और कुछ नए मध्यम श्रेणी के लोग भी। अधिकांश भारतवासी पश्चिमी सभ्यता के स्तर को पा सकने का सपना भर देख सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन जी पाने के लिए संघर्ष का उनके जीवन में प्रथम स्थान है। कम से कम महानगरों का यही हाल है, जहां भव्य अट्टालिकाओं के किनारे लोग जमीन पर सोते हैं और झोपड़पट्टी में कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हैं। गंदगी और बीमारी इनके जीवन का अभिन्न अंग है। धीरे धीरे लोगों में अब प्रकृति और प्रदूषण के प्रति जागरूकता पैदा हो रही है। स्वास्थ्य संस्थानों में भी सुधार हो रहा है। इनसे लाभान्वित केवल वही लोग हो पाते हैं जिनके पास आवश्यक ज्ञान और धन है। मुंबई में भी अब ऐसी दुकानों की भरमार है जहां प्राकृतिक खाद से पैदा किया गया खाने पीने का सामान बिकता है तथा प्रकृति की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। कंप्यूटर की दुकानें, साज सज्जा और वस्त्र भूषण की दुकानें, इतना ही नहीं, मैकडॉनल्ड्स का जहां हैमबर्गर गाय के गोश्त से नहीं बनाया जाता ताकि हिंदुओं की धार्मिक प्रवृत्ति को ठेस ना लगे और उन्हें उपभोक्ताओं के रूप में जीता जा सके। जब इन दोनों से पूछा गया कि ये फास्ट फूड के बारे में क्या सोचते हैं, तो इन्होंने जवाब दिया, के लिए यह एक नई चीज है, फिर भी लोग इसे पसंद करने लगे हैं क्योंकि यह लोगों की रुचि पर खरी उतरती है। फास्ट फूड का एक अच्छी चीज है, हम इसे पसंद करते हैं। गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करने वाले लोगों ने पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव को रोकने का प्रयत्न किया, किंतु इनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह गूंज कर रह गई और आधुनिक सभ्यता की आंधी ने उन्हें समाप्त कर दिया। आशा की एक किरण के रूप में मुंबई के दक्षिण में स्थित गांधी म्यूजियम है, जहां भारत और विदेश से निरंतर दर्शक आते रहते हैं। यहां उस कमरे का दर्शन उस रूप में किया जा सकता है जैसे गांधी जी उसमें निवास करते थे। संकीर्ण कमरों में प्रदर्शित वस्तुओं में गांधी जी की जीवन यात्रा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जीवंत चित्रण यहाँ है। यहाँ के पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग नियमित रूप से होता है। यहाँ पर फिल्में भी प्रदर्शित की जाती हैं और समय समय पर गांधी जी की जीवनी से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। गांधीवाद से संबंधित कई एक संस्थाएं इससे जुड़ी हैं, जो आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से समाज सेवा के कार्य में रत हैं। जब गांधी जी भीड़ से अलग थलग शांतिपूर्वक काम करना चाहते थे, तब वे अपनी एक सहकर्मिणी के निवास स्थान पर बंबई के उत्तरी हिस्से में जाया करते थे। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद इस स्थान का नामकरण गांधी ग्राम किया गया। मई सन 1944 में जेल से छूटने के बाद गांधी जी फिर से यहाँ आए। शारीरिक और मानसिक रूप से भी गांधी जी अब बहुत थक गए थे, इसलिए समुद्र के किनारे की सैर और प्रार्थना से अपनी शक्ति जुटाने का प्रयत्न किया। उनकी इन गतिविधियों में हजारों लोग भागीदार रहे। अगस्त 1945 में जब हिरोशिमा पर बम फेंका गया तो गांधी जी बहुत चिंतित हुए। उन्हें कहना पड़ा कि इस दुनिया में अब भयंकर परिवर्तन आ गया है, क्या मैं अहिंसा और सत्य के मार्ग पर अब भी अविचलित रह सकता हूं? क्या एटम बम ने इसे विस्फोट में नहीं उड़ा दिया है? जी नहीं, इससे प्रमाणित हो गया कि दुनिया में अहिंसा और सत्य ही सर्वाधिक शक्तिमान है। ये दोनों शक्तियां एक दूसरे से भिन्न है, एक आत्मिक और धार्मिक है तो दूसरी भौतिक एवं शारीरिक।
पहली शक्ति दूसरी पर इसलिए हावी है क्योंकि वो सतत है, अंतहीन है, इस पर स्वाभाविक अंकुश है। मानसिक शक्ति में निरंतर उन्नति की संभावना है। अगर मनोबल का सही प्रयोग किया जाए तो उसे इस संसार में कोई भी शक्ति जीत नहीं सकती। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और ब्रिटिश साम्राज्य भी डावाडोल हो रहा था। मार्च 1946 में अंग्रेजी सरकार का एक दल भारत आया। इसका उद्देश्य समझौता वार्ता से था तथा भारत को किन शर्तों पर स्वतंत्र किया जाए। इनके सुझावों से भारतीय नेशनल कांग्रेस तो सहमत थी, किंतु मुस्लिम लीग को इससे संतोष नहीं हुआ, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने इसका विरोध करने का निर्णय लिया, बिना किसी कारण या उद्देश्य के विरोध दिवस की घोषणा कर दी। कलकत्ता में परिणाम स्वरूप हत्या और आगजनी की भयंकर घटनाएं हुईं। कम से कम 4,000 हिंदुओं की हत्या की गई और 15,000 से अधिक लोग घायल हुए। हिंदुओं की बदले की प्रतिक्रिया के कारण सारे देश में अराजकता फैल गई। युद्धात्मक परिस्थितियां पैदा हो गईं, जिसमें जनसंहार, आगजनी, बलात्कार, लूटपाट, धार्मिक स्थलों का अपमान, पाप, सभी कुछ शामिल था। गांधी जी स्वयं उस दुर्घटना स्थल पर पहुंचे जहां की स्थिति सबसे भयंकर थी और फिर से उपवास द्वारा हिंदू और मुसलमानों को बाध्य किया कि वे हथियार डाल दें और आत्मसमर्पण कर दें। कई महीनों की पदयात्रा द्वारा गांधी जी प्रयत्नशील रहे ताकि फिर से शांति की स्थापना हो सके और लोग आपस में समझौता कर लें। इस शांति यात्रा को आपने अपने जीवन की कठिनतम और पेचीदा यात्रा करार दिया। रास्ते में वे लोगों को दिलासा दिलाते रहे, उनका साहस बढ़ाते रहे और उन लोगों को चेतावनी देते रहे जो उन भीषण दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे। उनसे उन्होंने पाप के प्रायश्चित का निवेदन किया और कहा कि उनके द्वारा जो तोड़फोड़ हुई है उसकी वे स्वयं मरम्मत करें तथा फिर से एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहें। गांधी जी ने बुद्ध भगवान के उन वचनों की याद दिलाई जो उन्होंने आज से 2500 वर्ष पहले एक शाश्वत नियम के रूप में कहे थे कि हिंसा का मुकाबला हिंसा से नहीं किया जा सकता, घृणा को केवल प्यार से जीता जा सकता है। जनहिंसा को समाप्त करने के लिए गांधी जी और मुसलमानों के नेता जिन्ना ने मिलकर एक सुझाव प्रस्तुत किया, जिसमें हाल ही में हुई दुर्घटनाओं के बारे में कहा गया कि यह भारत के नाम पर एक कलंक है, इसलिए हमेशा के लिए राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा का प्रयोग वर्जित है। एक प्रार्थना सभा में गांधी जी ने इस बात पर बल दिया कि सारे धर्म एक समान हैं और कहा, मैं सत्य रूपी धर्म में विश्वास रखता हूं जिसका उल्लेख विश्व के सभी धर्मों में है। इस प्रकार कहीं जाकर वे देश में पुनः शांति स्थापित कर पाए। भारत का हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजन जहां एक ओर हिंदू और दूसरी ओर मुसलमान हों, उनके लिए एक समस्या बनी हुई थी, क्योंकि अपने जीवन के कर्मों की सफलता आप इसमें देखना चाहते हैं कि भारत एकजुट होकर आजाद हो। हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई मगर बढ़ती चली जा रही थी। उनके दल के अभिन्न साथी भी अंत में इस बात पर राजी हो गए कि वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के सुझाव के मुताबिक देश को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। गांधी जी ने इसे एक दुखद दुर्घटना का नाम दिया। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को एक राष्ट्र का पुनर्जन्म हुआ जो 100 साल से निद्रामग्न था और जिसने एक बहुत लंबी आजादी की लड़ाई लड़ी थी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घोषित स्वतंत्रता को सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. गांधी जी ने
इस दिन को एकांतवास में प्रार्थना करते हुए और उपवास रखकर बिताया। उनकी इस उदासी का कारण भी था, क्योंकि आजादी की खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। शीघ्र ही कई स्थानों पर अशांति फैल गई, अल्पसंख्यक वर्ग पर दुराचार और अत्याचार होने लगा। हिंदुओं को मुसलमानों का पाकिस्तान त्यागना पड़ा और मुसलमानों को हिंदुओं का हिंदुस्तान। इस जनसमुदाय के पलायन में 1,20,00,000 लोगों को अपना निवास स्थान बदलना पड़ा। सारे देश में हत्याकांड हुए, जिसमें 5,00,000 लोग मारे गए, मौत के घाट उतार दिए गए। जब गांधी जी के शब्दों का हिंदू मुस्लिम दंगों पर कोई असर नहीं हुआ, तब सितंबर 1947 को गांधी जी ने कलकत्ते में पुनः उपवास करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा दंगे हुए थे। जब तक पुनः शांति स्थापित नहीं हो जाती, वो उपासे रहेंगे। गांधी जी को सफलता मिली। कलकत्ते में 4 ही दिन में पुनः शांति की स्थापना हो गई। कुछ क्रांतिकारियों ने आत्मसमर्पण किया और अपने हथियार गांधी जी के सामने डाल दिए। कलकत्ते से गांधी जी ने दिल्ली की यात्रा की, और जब वहां भी हिंदू मुस्लिम दंगे फिर शुरू हो गए, तो गांधी जी ने यहां भी 12 जनवरी 1948 को उपवास शुरू किया। उनको लगा कि अब वे अकेले रह गए हैं और उनके जीवन का उद्देश्य समाप्त हो रहा है। तब उन्होंने कहा, मृत्यु ही अब मेरा उद्धार कर सकती है। हिंदुस्तान की तबाही एक असहाय व्यक्ति की तरह देखते रहने से तो कहीं अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं हमेशा यही प्रार्थना करता रहूंगा कि मैं अपने दुश्मन से भी कभी घृणा न करूं, तब भी नहीं अगर मैं किसी आतंकवादी की गोली का शिकार बनकर मारा जाऊं। मेरे होठों पर तब भी भगवान का नाम हो। 5 दिनों के बाद गांधी जी ने नई दिल्ली के बिरला भवन में अपना व्रत समाप्त किया। झगड़ा फसाद बंद हो गया। भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब अल्पसंख्यक लोगों पर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। लगातार उपवास करने के कारण गांधी जी कमजोर हो गए थे। अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे नई शक्ति जुटाने में लग गए। बिरला भवन में संध्या की प्रार्थना में बागीचे में हजारों लोग आया करते थे। इन्हीं को संबोधित करते हुए जब वे भाषण दे रहे थे, तो 20 जनवरी 1948 को एक हिंदू शरणार्थी के लगाए हुए बम का विस्फोट हुआ। यह बम तकरीबन गांधी जी के कदमों में फटा, मगर कोई भी घायल नहीं हुआ। गांधी जी टस से मस नहीं हुए और एकत्रित भीड़ से निवेदन किया कि वे उन्हें शांतिपूर्वक सुने। आखिर की एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा। जाएंगे तो सचमुच यहां कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा? सुनो 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 सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। इसके बाद भी अपने आसपास सुरक्षा अधिकारियों की उपस्थिति से उन्होंने इनकार कर दिया और क्रांतिकारी को क्षमा प्रदान की। गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता की आलोचना करते थे और कांग्रेस पार्टी की खामियों पर प्रकाश डालने से भी नहीं हिचकिचाते थे। इस कांग्रेस दल का जन्म राष्ट्रीय कांग्रेस दल से ही हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ में कांग्रेस ही एकमात्र शासकीय पार्टी थी, जिससे गांधी जी को यह आश्वासन नहीं मिल पा रहा था कि यह अहिंसा की नीति पर कायम रह पाएगी। घूसखोरी का खतरा भी था। अपने एक सुझाव पत्र में उन्होंने पार्टी के परिवेश में बदलाव की मांग की। पार्टी को समाप्त करके शांति की स्थापना और कामों के लिए लोगों को एकजुट होना चाहिए। यह अपने आप को दलबंदी और शक्ति प्रयोग की नीति से अलग रखे तथा सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में सक्रिय हों, गांव में काम करें। गांधी जी की इस राजनीतिक विरासत को कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने स्वीकार नहीं किया। मैं
विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र ने स्वतंत्रता पाने के साथ अंग्रेजों की संसदीय व्यवस्था को अपनाया था। संसद के दो भागों में राज्यसभा तथा विधानसभा में विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि जनसंख्या को ध्यान में रखकर संसद के लिए चुने जाते हैं। इसके अलावा कुछ पद अछूत वर्ग के लिए सुरक्षित हैं, जिसका एक कारण गांधी जी का प्रयास अछूतवाद को समाप्त करने का है और संविधान में भी इसे शामिल किया गया है। इसका श्रेय श्रीमान डॉक्टर अंबेडकर को है, जो अछूत वर्ग के नेता थे। सन 1931 से नई दिल्ली भारत की राजधानी है और राजनैतिक दलों का गढ़ भी। कलकत्ते में जब राजधानी को समाप्त किया गया तो किंग जॉर्ज पंचम ने ब्रिटेन के सर्वोत्तम शिल्पियों को नई दिल्ली के भवन निर्माण का कार्यभार सौंपा था। इनका राज्य भवन कला का एक सुंदरतम नमूना था। उपनिवेशवादी पद्धति पर बने यह भवन ब्रिटिश साम्राज्य के गहनों में मुकुट के समान थे। चौड़ी सड़कें, बाग बगीचे और सुंदर गलियारे नई दिल्ली को भारत के अन्य महानगरों से ऊपर उठा देते हैं। जबकि सत्य यह भी है कि यह अत्यंत प्रदूषित नगर है। वाहनों की अधिकता और आसपास के कारखानों के कारण यहाँ प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा है। मुंबई की तुलना में जो उद्योग प्रधान नगर है, उनमें से दिल्ली में बहुत ही ज्यादा कारखाने हैं। सरकारी कर्मचारियों के इस नगर में रात्रि का जीवन भी बंबई की तरह नहीं जगमगाता, परंतु सांस्कृतिक गतिविधियों का तो यह केंद्र माना जाता है। भारत के उद्योग में प्रगति के परिणाम नई दिल्ली में स्पष्ट नजर आते हैं। शहर के हर भाग में शॉपिंग सेंटर कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं। इस प्रकार नई दिल्ली के प्रमुख बाजार कनॉट प्लेस से भीड़ कुछ छंट गई है। यहाँ पर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय उद्योगपतियों के ऑफिस हैं, गहनों की खास दुकानें और वस्त्राभूषण भी यहाँ मिलते हैं। जमीन के ऊपर बनी हुई इन दुकानों के नीचे यानी कि भूमिगत भी इतनी ही दुकानें हैं। पूरे कनॉट प्लेस के नीचे भूमिगत बाजार बनाया गया है। शिल्प कला का यह आधुनिक नमूना है। पुरानी दिल्ली के बाजारों से बिल्कुल भिन्न है। पुरानी दिल्ली में लगता है कि प्रगति का यह पहलू अछूता रह गया है। यहाँ पर अब भी परंपरागत गलियों में छोटी छोटी दुकानें हैं। यात्री आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि पिछली सदी में पुरानी दिल्ली का क्या स्वरूप रहा होगा। तब यहाँ के अधिकांश निवासी मुसलमान थे, जिसका असर यहाँ की भवन निर्माण प्रणाली पर भी पड़ा है। यहाँ के बदलते हुए इतिहास के प्रमाण स्थान स्थान पर मिलते हैं, जहाँ 100 साल से भी अधिक तुर्कियों, मुगलों और ईरानियों का साम्राज्य रहा। भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद लाल किले के बिल्कुल सामने है, जहाँ 15 अगस्त 1947 को आजादी की घोषणा की गई थी। जमुना नदी के किनारे लाल किले से बहुत दूर नहीं गांधी जी की समाधि है। यहाँ 31 जनवरी 1948 को आपकी चिता को जलाया गया था। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में यहाँ यात्री गांधी जी की समाधि के दर्शनार्थ आते हैं। सन 1969 में 100वीं गांधी जयंती के अवसर पर सरकार की ओर से समाधि के आसपास के स्थानों पर एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। गांधी जी की जीवनी के हर पहलू पर बड़ी सूक्ष्मता से प्रकाश डाला गया और आपके सत्याग्रह अभियान के हर चरण को दिखलाया गया। पास में स्थित नेशनल गांधी म्यूजियम में गांधी पर हुए संशोधन कार्य और अध्ययन का ब्यौरा एक पुस्तकालय में मिलता है। यहाँ 10,000 से भी अधिक पुस्तकों का संग्रह पृथ्वी की हर भाषा में उपलब्ध है, जिसमें गांधी जी से संबंधित सभी प्रकाशनों का संग्रह है। यहीं पर गांधी बुक हाउस भी है, जो गांधी साहित्य की पुस्तकों के विक्रयों का काम करता है।
ये सिर्फ यह काम ही नहीं करते बल्कि विदेशों में भी इसे भेजते हैं। गांधी बुक हाउस भी एक संस्थान है जो शहर के उत्तर में राजघाट के निकट ही स्थित है। यहीं पर गांधी पीस फाउंडेशन भी है। इस संस्था का काम है अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार। आधुनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजनैतिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए। गांधी संबंधित प्रकाशनों के अलावा गांधी फाउंडेशन का प्रमुख काम उन विदेशियों से संपर्क बनाए रखना भी है जो आज भी गांधी जी के कार्यकलापों से प्रभावित हैं और इस संदर्भ में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। गेस्ट हाउस में रह सकने की व्यवस्था के कारण ही नहीं बल्कि यहाँ प्राप्त सामग्री के कारण भी विदेशों से आने वाले उन यात्रियों के लिए यह आदर्श स्थान है जो गांधी मार्ग की तलाश में भारत आते हैं। यहाँ नियमित रूप से भाषणों और विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। यहाँ के योग्य कर्मचारी गांधी जीवनी के विभिन्न चरणों और पहलुओं पर कार्यरत हैं। इस बात का मगर सदा ध्यान रखा जाता है कि जन जीवन में इसे किस प्रकार उपयोग में लाया जाए। गांधी पीस फाउंडेशन ऐसी एकमात्र सक्रिय संस्था है जो आवश्यकता पड़ने पर वर्तमान राजनैतिक क्रियाओं में दखलंदाजी कर सकती है। दिल्ली के दक्षिण में जहां रईसों की बस्ती है वहां उद्योगपति श्रीमान घनश्याम दास बिरला का भी मकान है। गांधी जी की मृत्यु के बाद आपने सरकार को अपना यह मकान गांधी स्मृति के लिए दान स्वरूप दे दिया। यहां प्रतिदिन सैकड़ों दर्शनार्थी आते हैं जो उस स्थान का दर्शन करना चाहते हैं जहां अपने जीवन के अंतिम सप्ताह और दिन गांधी जी ने बिताए थे। 20 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी हिंदू द्वारा बम विस्फोटक घटना के बाद भी गांधी जी प्रयत्नशील रहे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच समझौता हो जाए। 25 जनवरी को आपने मांग की कि बिरला हाउस की अगली प्रार्थना सभा में हर हिंदू एक मुसलमान को भी साथ लेकर आए। यह कट्टरपंथी हिंदुओं के लिए गांधी जी की मृत्यु का एक और कारण बनी। शुक्रवार 30 जनवरी 1948 की शाम को 5 बजे गांधी जी दो कन्याओं का सहारा लिए हुए बिरला हाउस के बगीचे की प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे जहां 500 लोग एकत्रित थे। नाथूराम गोडसे ने आप पर 3 गोलियां चलाईं। गांधी जी हे राम का उच्चारण करते हुए स्वर्गवासी हुए। हत्यारे को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ महीनों के बाद एक सनसनीखेज मुकदमे में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। कांपती आवाज में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स and there is darkness everywhere, and I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. हमारे जीवन से रोशनी ने विदा ले ली है और अब चारों तरफ अंधकार है। हमारे प्यारे मार्गदर्शक बापू जी, जो पिता समान थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। ये दिया अब बुझ गया। मैं ये कहता हूं किंतु शायद ये मेरी भूल है, ये रोशनी साधारण रोशनी नहीं है। इस रोशनी ने हमारे देश को कई वर्षों तक प्रकाश प्रदान किया है। ये भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करेगी। गांधी जी के शव को पहले बिरला भवन के कमरे में, फिर उसकी छत पर रखवाया गया। इसके दूसरे दिन 31 जनवरी को 5 घंटे इसे जनसमूह के दर्शनार्थ दिल्ली शहर में घुमाया गया। यमुना नदी के तट पर गांधी जी के शव को हिंदू प्रथा के अनुसार चंदन की चिता पर जलाया गया। गांधी जी की हत्या से समस्त विश्व को सदमा पहुंचा।
सकते की हालत में ही शांति के इस दूत से सबने विदा ली। 13 दिन के बाद गांधी जी की अस्थियों के कलश को एक विशेष रेल द्वारा इलाहाबाद लाया गया, जहां गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इस त्रिवेणी संगम पर गांधी जी के पुत्रों ने राख को विसर्जित किया। जहां अमीर गरीब, राजा भिखारी, पापी और पवित्र आत्माएं समान हो जाती हैं, गांधी जी इस पापी दुनिया में सहिष्णुता, अहिंसा और विश्वास के देवता थे। उनकी मानसिक शक्ति ही उनकी शांति का शस्त्र था। उन्होंने अहिंसा की जिस नीति को अपनाया और जिया, वो आज भी देश की सीमाओं के परे तक जिंदा है और जिंदा रहेगी।